स्टूडेंट्स वेलकम टू माई स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर टू ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमेंस एंड प्लांट्स और इसका टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वो है हाईपर टेंशन यानि कि हाई ब्लड प्रेशर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपर टेंशन भी कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हाई ब्लड प्रेशर सर्कुलेटरी सिस्टम की एक बीमारी है ब्लड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज ब्लड प्रेशर से मुराद फोर्स की वो मकदार है जो ब्लड आर्टरीज की दीवारों पर लगाता है इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन रिमेन्स अबव द नॉर्मल वैल्यू द कंडीशन इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर या इसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन सर्कुलेटरी सिस्टम के एक बीमारी है और इसमें क्या है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा रहता है नॉर्मल वैल्यू ब्लड प्रेशर की क्या है नॉर्मल वैल्यू है जो अबव वैल्यू है वो वन ट्वेंटी है और लोअर वैल्यू है एटी अगर ब्लड प्रेशर की हाई वैल्यू वन ट्वेंटी और लोअर वैल्यू एटी है तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है लेकिन अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू इससे बढ़ती है तो फिर हम उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर और ब्लड प्रेशर है क्या ब्लड प्रेशर फोर्स की वो मकदार है जो ब्लड आर्टरीज की दीवारों पर लगाता है नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन से क्या नुक़स पैदा हो सकते हैं द इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन डैमेज ब्लड वेसल्स किडनीज एंड हर्ट जो ब्लड प्रेशर की ये बढ़ी हुई मकदार है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर ये ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है किडनीज को डैमेज कर सकता है यानी कि गुर्दों को डैमेज कर सकता है एंड हर्ट और हार्ट को डैमेज कर, तो कर सकता है तो हाइपर टेंशन ये ब्लड वेसल्स किडनीज और हर्ट को डैमेज कर सकता है नेक्स्ट बात करेंगे सैम्टम्स ऑफ हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन की सेम्टम्स क्या हेडेच सर में दर्द होना फटीक थकावट ब्लड विजन धुंधला दिखना नोज़ ब्लीड्स यानी नाक से खून का बहना तो स्टूडेंट्स ये कुछ सिम्टम्स थी हाइपर टेंशन की के सर में दर्द होना थकावट धुंधला नज़र आना या नाक से खून का बहना नेक्स्ट हम इसकी काजिज की बात करेंगे काजिज़ ऑफ हाइपर टेंशन हाई ब्लड प्रेशर की वजूहत फूड्स हाई इन फैट्स ऐसी खुराक खाना जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा हों हाई इनटेक साल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना स्मोकिंग करना ओबेसिटी, मोटापा डायबिटीज़ शुगर की बीमारी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज और एक्सरसाइज ना करना यानी कि अगर हम ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा हैं या साल्ट्स ज़्यादा हैं तो फिर भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है स्मोकिंग करने से भी ब्लड प्रेशर अमूमन बढ़ जाता है मोटापा या शुगर की बीमारी या फिर एक्सरसाइज ना करना ये कुछ हाइपरटेंशन की वजूहत हैं तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है हाइपरटेंशन को कि हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर से मुराद क्या है कि अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा रहता है नॉर्मल वैल्यू क्या है अबव वैल्यू वन और लोअर वैल्यू अगर ब्लड प्रेशर इस नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है तो हम उस कंडीशन को कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर से मुराद क्या है कि ब्लड प्रेशर से मुराद वो फोर्स है जो ब्लड आर्टरीज़ की दीवारों पर लगाता है फिर हमने बात की कि हाइपरटेंशन से कौन से ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं तो हाइपर से हर्ट डैमेज हो सकता है किडनीज़ एंड ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं और फिर हमने सेमटम्स की बात की कि सर में दर्द होना नाक से खून का बहना धुंधला नज़र आना या थकावट इसकी सेमटम्स में है और फिर हमने इसकी काज़ की बात की कि ऐसी फूड का इस्तेमाल करना जिसमें साल्ट्स या फिर फैट्स ज़्यादा हों स्मोकिंग करना स्मोकिंग करने से भी ब्लड प्रेशर अमूमन बढ़ जाता है ओबैसिटी मोटापा या डायबिटीज़ शुगर की बीमारी ये भी हाइपरटेंशन की वजह बनती हैं या लैक ऑफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज ना करना फ्रेंड्स हम ब्लड प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मैयर करते हैं अब उसकी बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर को हम मैयर करते हैं स्वेगमेनोमीटर से स्वेगमेनोमीटर की डायग्राम आपके सामने है तो स्वेगमैनोमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर को मैयर करने के लिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की पहला क्वेश्चन है डिफाइन हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन की डेफिनेशन करें तो इसमें आपने बताना है कि अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा रहता है नॉर्मल वैल्यू क्या है 120 ट्वेंटी ओवर एट्टी अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है तो हम उस कंडीशन को कहेंगे हाइपर नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर दैम्टम्स ऑफ हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन की अलामत क्या हैं तो इसमें हमने पढ़ा है कि सर में दर्द होना थकावट यानी फटीग ब्लड विज़न, धुंधला नज़र आना और ब्लीड नोज़ यानी कि नाक से खून का बहना तो ये इसकी सेम्टम्स में हैं नेक्स्ट है व्हाट आर द काजिज़ ऑफ़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजूहत क्या हैं तो साल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना फ़ैट्स वाली ख़ुराक को खाना या फिर स्मोकिंग करना डायबिटीज ओबेसिटी लैक ऑफ एक्सरसाइज ये इसकी काजेज हैं स्टूडेंट्स आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है आज हमने हाइपरटेंशन को डिस्कस किया है हाइपरटेंशन को मैंने रेड बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर दिया है आपने इसको यहां से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है थैंक यू स्टूडेंट्स